राम राम दोस्तों, होप्सो सभी अच्छे होंगे, जल्दी से जल्दी रिकवरी कर रहे होंगे दोस्तों। दोस्तों जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हम 100% वेट पे वॉकर के साथ कैसे चलें, आज की जो वीडियो का जो टॉपिक है, टाइटल में आपने देखा भी होगा कि हम वॉकर से स्टिक पे कैसे आएँ और स्टिक से कैसे चलें और स्टिक को छोड़े कैसे, ये तीनों स्टेप के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल के साथ फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर आपको अच्छी लगे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। जैसा कि देखो पिछली वीडियो में था कि वॉकर है, वॉकर के साथ मैंने बताया था आपको कि हमें सिंगल हैंड से एक हाथ से चलना है शुरुआत में 5 से 10 मिनट। ये थी हमारी प्रैक्टिस। इस प्रैक्टिस के बाद जो सेकेंडरी जो थिंग थी, हमें करना था वॉकर को फोल्ड। इसमें पहली बात बताने की ये है कि हमें ऐसे जो चलना है, पहले हम 100% वेट पे चल रहे हैं, फिर सिंगल हैंड से चल रहे हैं 5-5 मिनट, उसके बाद हमें वॉकर को साइड बाई करना है। ये साइड बाई वॉकर हो गया, ठीक है। साइड बाई वॉकर होने के बाद हमें सिंपली स्टिक की तरह यूज़ करना है, फ्रैक्चर वाला पैर आगे लाना है, ऐसे ही हमें मूवमेंट करनी है अपनी, ऐसे ही वॉकिंग करनी है। ये वॉकिंग की प्रैक्टिस हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगी, क्योंकि इस ऐसे करके हम चलेंगे तो 10 से 15 दिन में हमारा जो, जैसे 100% पे हम चल रहे हैं, स्टिक पे आने में हमें ज़्यादा देरी नहीं होगी, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, हम जल्दी से स्टिक पे आ पाएंगे। क्योंकि ये चीज़ों की प्रैक्टिस करने से है ना, हमारी हैबिट बन जाती है सिंगल हैंड पे वेट ट्रांसफ़र करने, क्योंकि हम वॉकर पे चल रहे थे तो दोनों हाथों पे वेट ट्रांसफ़र कर रहे थे, लेकिन हमने अगर वॉकर को फोल्ड करके सिंगल हैंड से वॉकर पे प्रैक्टिस की तो स्टिक के तरह काम किया और स्टिक की तरह हमें यूज़ किया, उसकी हमें आदत हो गई। अब नेक्स्ट बात आती है, हम वॉकर को जब हम छोड़ देते हैं 10 से 15 दिन यूज़ करने के बाद, उसमें स्टिक से हमें कैसे चल रहा है, कितनी ज़्यादा सावधानी रखनी है। फ्रेंड्स जैसे कि देखो, ये है मेरा इंजर्ड पैर। दोस्तों ये मेरा इंजर्ड पैर है। स्टिक का सबसे पहला एक फिनोमेना है कि हमें सिंपली जो फ्रैक्चर वाला पैर है उसके अपोजिट साइड में अपनी स्टिक को पकड़ना है, स्टिक रखनी है। स्टिक पकड़ी, मैंने ऑलरेडी शॉर्ट्स भी डाला हुआ है इसका, वो भी देख लेना आप। बेसिकली क्या है कि हमें स्टिक को अपोजिट साइड में रखना है जो फ्रैक्चर वाले पैर से, फिर पहले स्टिक को मूवमेंट करनी है, फिर फ्रैक्चर वाले पैर की, स्टेप आपका छोटा होना चाहिए, छोटा स्टेप लेना है, फिर वेट ट्रांसफ़र होगा आपका इस पे और इस पैर पे हल्का हल्का, तो फिर ऐसे आगे आना है, फिर हल्का छोटा स्टेप, फिर फ्रैक्चर वाला पैर, फिर ऐसे, फिर हल्का छोटा स्टेप, फिर फ्रैक्चर वाला पैर, फिर ऐसे। ये प्रैक्टिस हमें करीब करीब शुरुआत में वॉकर से फुल वेट, फिर 5 से 7 मिनट सिंगल हैंड से वॉकर को फिर फोल्ड करके 5 से 7 मिनट, फिर हमें नॉर्मल स्टिक का यूज़ करना है 5 से 7 मिनट। स्टिक का यूज़ ऐसे करना है जैसे मैंने अभी बताया, ऐसे चलना है, क्योंकि यही बेस्ट वे है। कई क्या करते हैं, गलती करते हैं, जिस साइड में फ्रैक्चर होता है उसी साइड में स्टिक को ले लेते हैं। यार ये गलत है, इसमें दिक्कत होगी, ना ही आपको प्रॉपर वॉकिंग में इम्प्रूवमेंट हो पाएगी। उसी साइड में हमें स्टिक को नहीं पकड़ना है, हमें स्टिक को पकड़ना है फ्रैक्चर वाले पैर से अपोजिट साइड में, ठीक है। और नेक्स्ट चीज़ क्या है कि हमें स्टिक से कितने टाइम, देखो धीरे धीरे हम जैसे चलते जाएंगे ना तो हमारे जो वॉकर की है वो आदत छूट जाएगी, फिर हमारी स्टिक की आदत बनेगी। तो स्टिक की आदत में हमें मैक्स टू मैक्स चलना है। अगर हम स्टिक से, मैं कहता हूँ आपको, अगर हमने 10 दिन लगातार आधा आधा घंटा भी दिन में 3 बार प्रैक्टिस की ना, तो मैक्स टू मैक्स ये 10-12 दिन में छूट जाती है। छूट जाने का मतलब क्या है, उठते हैं बैठते हैं तो ज़रूरी हमें 5 से 10 कदम के लिए यूज़ करनी होगी, लेकिन उसके बाद विदाउट स्टिक हो जाएंगे। और विदाउट स्टिक का कुछ नहीं है, विदाउट स्टिक में सिंपल सा है, कुछ कदम अपना स्टिक का सहारा लो, प्लेन सरफेस पे चलो, कोई भी गलती मत करो, बाहर जब भी चलो तो स्टिक लेके चलो और प्लेन सरफेस पे ही वॉकिंग करनी है मिनिमम 2 मंथ्स। जब आप प्लेन सरफेस पे 2 मंथ्स वॉकिंग कर लोगे, उसके बाद आप बाहर जाके चल सकते हो, बाहर जाके, लेकिन आपको स्टिक लेनी है। स्टिक नहीं ले सकते हो, शर्मा रहे हो तो हॉकी ले लो, ऑप्शन है कई तरीके के, डंडा ले लो सिंपल, वो लेके ज़रूर चलना है, क्योंकि सहारा होता है, बाकी प्रोटेक्शन करता है काफ़ी चीज़ों से, आवारा पशु वगैरह से, तो उस चीज़ का प्रॉपर यूज़ करें, ध्यान से चलें, कोई गलती ना करें। बाकी एक बार वीडियो देखिए कैसे मैं चल रहा हूँ।
फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें सिंपली स्टिक का, वोकर का, इन चीज़ों का मैंने यूज़ किया, आपको बताया कैसे हमें चलना है, कितने टाइम के लिए प्रैक्टिस करनी है। देखो ये तो अलग अलग बंदे के लिए अलग अलग डिफरेंट सिचुएशन हो जाती है कि वो कितने दिन में इम्प्रूवमेंट कर पाएगा वॉकिंग में। किसी की ज़्यादा गंदे तरीके से टूटी होती है, किसी का थोड़ा सा हल्का होता है, तो वो उसकी इम्प्रूवमेंट उसके बॉडी पे डिपेंड करती है कितनी जल्दी हीलिंग हुई है और कितनी जल्दी रिकवरी हो रही है। तो लेकिन हमें कुछ टाइम क्या है कि हमें काफ मसल और थाई मसल की जो स्ट्रेंथ बनानी है उसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा वॉकिंग करनी है, और इन सावधानी के साथ चलेंगे तो जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाएंगे और बहुत ही जल्दी ठीक होंगे। बाकी फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और नए केस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।